स्टूडेंट स्टडे आई टॉट यू रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम इज नथिंग, दिस इज इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से दैट पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल इन एक्स हुज डिग्री इज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन विच इज डिवाइडेड बाई एनी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। हियर ए इज 1, 2, 3 रूट 2 रूट 5 एनी रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर नंबर ए देन रिमाइंडर इज पी ए। बस इतना ही है। रिमाइंडर थ्योरम इज दिस, मतलब कोई पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। नहीं तो आप तो डिवाइड करते ही हो। सपोज दैट टेक द एग्जांपल के 3x² प्लस एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाई सपोज दैट एक्स प्लस वन। तो अगर व्हेन यू डिवाइड बाई लॉन्ग डिविजन मेथड एक्स प्लस वन 3x² प्लस एक्स माइनस वन विल गेट द 3x² प्लस 3x माइनस कैंसिल, दिस इज माइनस 2x माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस टू, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर वन। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? वन। तो दिस इज द लॉन्ग डिविजन मेथड। बाई लॉन्ग डिविजन मेथड वी कैन गेट द कोसेंट, वी कैन गेट द रिमाइंडर। बट अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वी कैन ईजली फाइंड द रिमाइंडर। मीन्स हियर सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो व्हाट इज द हियर ए? इज हियर माइनस वन। हाउ टू फाइंड ए? द इक्वेट टू द जीरो, so you will get the x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1. Okay, now find the PA. What is the A? This minus 1, put 3 into minus 1 square plus x minus 1 plus 1, this is 3 minus 1 plus I think this is minus 1, this is minus 1, this is minus 1 माइनस, दिस इज 3 - 2 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से भी आपका रिमाइंडर ये आया और इस तरीके से भी वन आया। तो दिस रिमाइंडर थ्योरम मेक्स ईजियर देन द लॉन्ग डिविजन मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके, व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम शॉर्टली कि इफ पी ए इक्वल टू 0, मीन्स इफ रिमाइंडर इज 0। और ऐसे भी आपको पता है कि रिमाइंडर जब 0 होता है तब भी हमारा डिविजुअल होता है। इफ पी ए इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर इज 0, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मीन्स दिस डिवाइड्स पी एक्स परफेक्टली। ओके, एंड सेकेंड इज इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर मीन्स डिवाइजर, परफेक्ट डिवाइड जो करता है, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उसका फैक्टर x माइनस ए होगा। इसको और एग्जांपल से अगर हम लोग समझ लें तो और बेहतर होगा। सपोज दैट टेक द वन एग्जांपल, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई मिडिल यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। तो वट इज द मेथड? तो 6x² एंड दिस इज प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5x 6x प्लस नो 3x इज कॉमन, तो 2x प्लस 5 प्लस 1, 2x प्लस 5, दिस इज 2x प्लस 5,
into 3x plus 1. This is the factor. So here 2x plus 5 and 3x plus 1 are factors of suppose that this is polynomial px, factor of px. Okay, now check. अब रिमाइंडर थ्योरम से चेक करो कि ये फैक्टर है कि नहीं है. तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं a निकालने के लिए. टू फाइंड द a यू हैव टू गो थ्रू द दिस मेथड, इक्वल टू द 0 ऑफ एनी फैक्टर. तो 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2. नाउ पुट द दिस x मीन्स दिस इज a, दिस पुट इन इक्वेशन पी एक्स, देन व्हाट विल हैपन? इट मस्ट बी 0. जब ये फैक्टर है तो जीरो जरूर होगा, पुट करके देख लो. तो p माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू 6 इंटू माइनस 5 बाई 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 5. दिस इज योर 6 इंटू 25 बाई 4 प्लस माइनस कितना 85 बाई 2 प्लस 5 कितना. This is cancel 3 2 75 by 2 minus 85 by 2 plus 5. Okay, so this is 70. Take the 2 LCM, 75 minus 85 plus 10. This is 85 minus 85 by 2 equal to 0 by 2 equal to 0. अब ठीक है, अगर ये फैक्टर है, अगर ये 2x plus 5 फैक्टर है इसका, तो जब इसका a निकाल कर पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 होगा. यानी अगर ये इसका फैक्टर है, इफ दिस 2x plus 5 इज फैक्टर ऑफ px, देन pa मस्ट बी इक्वल टू 0. मीन्स रिमाइंडर pa की जब यहाँ बात कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना जाकर पूरे उसको डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर निकालते हैं कहीं पे. लेकिन यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पॉलिनोमियल में. आप केवल pa पुट करो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. और रिमाइंडर जब ही 0 मिलेगा तब ही आपको पता हो जाना चाहिए कि यह फैक्टर का a है, फैक्टर में से a निकाला गया है. ओके, नाउ टेक द another example. Take the next question, some question related to this, and tomorrow I'll teach you some identity and related to question. Take the another question. You find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Suppose that ये है हमारा polynomial. वो कहता है find the value of k if this is a factor of this. तो ये यहाँ question कह रहा है कि this is a factor of this. इसका मतलब कि ये इसका factor है, मतलब ये divide करने पर इसको remainder 0 मिलना चाहिए. तो put करो यहाँ, तो इसका process क्या है, ये निकालिए पहले. Here x minus 1 equal to 0, so x equal to 0 means a equal to 1. तो मीन्स p1 यहाँ p1 इक्वल टू क्या होगा, 0. तो इसमें रखिए 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0. तो दिस इज 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू व्हाट, माइनस 3. दिस इज योर आंसर. ठीक, तो ए निकालने का प्रोसेस है कि पहले जिससे डिवाइड हो कर रहा है उससे इक्वेट कर दीजिए 0 को, और फिर एक्स आपका निकल जाएगा. फिर एक्स को पुट कीजिए, वो 0 हो जाएगा. अगर फैक्टर है तब जिसका फैक्टर है उसको इक्वेट कीजिए 0 का, और तब वहाँ से एक्स फाइंड कर लीजिए, और फिर उस एक्स का पी ए निकाल लीजिए. और पी ए निकालने के बाद पी ए ऑलरेडी यहाँ तो फैक्टर कह रहा है. हेयर क्वेश्चन इज दैट कि दिस द फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मतलब उसका पी ए जो होगा 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है तो पी ए 0 होगा. और जब ये क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली के हमारा यहाँ निकल जाएगा. सो ओके, टुमारो आई सॉल्व सम क्वेश्चन एंड द आइडेंटिटी. ओके, होमवर्क कंप्लीट 2.5 अप टू. ओके.